Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों स्वयं प्रभा डी चैनल नंबर 26 पर आपका स्वागत करते हैं मैं डॉक्टर परीक्षित सिरोही वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय आपके समक्ष प्रतिस्पर्धा अधिनियम नामक द्वितीय व्याख्यान सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ कोर्स का नाम है प्रतिस्पर्धा कानून आज हम कुछ विषयों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रतिस्पर्धा कानून 2002 से संबंधित हैं ये कानून कैसे आया इस कानून की कुछ विशेषताएं प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे तो ये विषय वस्तु है राघवन समिति बनी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये कानून आया है एम अधिनियम से लेके प्रतिस्पर्धा अधिनियम तक का जो जर्नी है जो सफ़र है एम में हम साइज़ को कम करने का प्रयास करते थे और प्रतिस्पर्धा अधिनियम में हम कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं तो इनके उद्देश्यों में अंतर है इन दोनों के उद्देश्यों में क्या अंतर है वो थोड़ी सी बात करेंगे इस नए कानून की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं इस अधिनियम से क्या फायदे महसूस हुए और क्या इसके रिलेटिव डिसएडवांटेजेस हैं उनके भी थोड़ी सी बात करेंगे नुकसान क्या है अगर कोई है तो एक बिल्कुल नया बिल्कुल फ्रेश टॉपिक जो आज जिस दिन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उसके तीन दिन पहले ये टॉपिक आया है नया डिजिटल प्रतियोगिता कानून इस पे लेके क्या प्रस्ताव आए हैं क्या कैसे इनको वर्गीकृत किया जाता है जो इंटरनेस इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं डिजिटल स्पेस में जो बिजनेसेस हैं एमेजॉन के बारे में सोचिए फ्लिपकॉ फ्लिपकार्ट के बारे में सोचिए ट्रू कॉलर के बारे में सोचिए फिर एक्स एंड फ्रेमवर्क क्या है उसकी बात करेंगे मतलब जो पूर्व स्थिति थी एक्स एंटी फिर भारतीय इंटरनेट जो फर्म है उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जो सक्रिय इंटरनेशनल फर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और थोड़ी सी फिर हम परिचर्चा अपनी कंक्लूड करेंगे सारांश उसका आपको बताएंगे तो मित्रों सर्वप्रथम ये जो राघवन समिति थी उसके बारे में देख लेते हैं ये जो एलपीजी है जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की जो नीति भारत सरकार ने अपनाई सन इक्यानबे में उसके पश्चात करीब दस साल बीतने के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि हमें एक आ, नए कानून की आवश्यकता है क्योंकि एम कानून उस समय तर्कसंगत नहीं था हमने जो लेक्चर नंबर वन था उस कोर्स का उसमें एम के बारे में थोड़ी चर्चा की थी तो एम कानून कहता है कि आप अगर साइज़ में बड़े हैं तो आपको रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है और आ, न, सो 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 रिस्ट्रिक्शन ऑन साइज़ अलोन नहीं अगर आप आपकी अब्यूज़ है डोमिनेंट पोजीशन है उसको ये कानून जो है रोकने का प्रयास करता है तो ये जो 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 साइज की बात ना हो के अब डोमिनेंट पोजीशन की जो चर्चा होगी वो हम थोड़ी सी आ, और अब्यूज होना चाहिए उसका गलत प्रयोग होना चाहिए ये कुछ फर्क आए मूलभूत फर्क आए तो कंपटीशन को बढ़ावा देना साइज के आधार पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना तो इसलिए जो है भारत सरकार ने सन 2000 में एक नई समिति बनाई उस समिति का नाम था हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी ऑन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी प्रतिस्पर्धा कानून और नीति पर उच्च अधिकार विशेषज्ञ समिति आ, इसके जो अध्यक्ष थे वो राघवन जी थे इसलिए इसका नाम राघवन समिति पड़ गया आ, इसकी जो जो रिपोर्ट थी ये भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई इम्पोर्टेंट माइल साबित हुई नब्बे का दशक जो है आर्थिक सुधारों का दशक था एक मूलभूत कॉम्पिटिशन के लिए आ, इंकरेज करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता पड़ने लगी तो राघवन समिति ने जो ये जो मौजूदा ढांचा था जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था जो लीगल फ्रेमवर्क था उसकी जांच की और उन्होंने कहा कि भाई प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए जो कानूनी ढांचे में जो भी गैप्स हैं उनकी पहचान करने के लिए उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए तो ये जो रीजन्स थे आ, म, ढांचे में क्या गैप्स हैं उनकी पहचान करिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकना और उपभोक्ताओं के हितों तो ये पांच मेन चीज़ों के आधार पर इन्होंने अपने मित्रों सिफारिश की है और इस समिति का गठन जो मुख्य उद्देश्य देश में प्रतिस्पर्धा कानून कैसे आना चाहिए क्या समीक्षा होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा को लेके क्या इन्वायरमेंट है उसमें क्या परिवर्तन चाहिए उस पर रिकमेंडेशंस की सिफारिशें की तो मित्रों सबसे पहले हम इनकी सिफारिशों पे बात करेंगे क्या इन्होंने सिफारिशें की और कैसे उनको तो उन्होंने कहा कि जो एकाधिकार वाला कानून है एम आर टी पी मनापली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम उन्नीस सौ उनहत्तर नाइनटीन सिक्सटी नाइन उसको निरस्त करने और भारत में एक नए प्रतिस्पर्धा कानून की शुरुआत की सिफारिश की तो इसलिए जो है ये नया कानून बन गया इसका रिजल्ट ये था कि ये नया कानून सामने आ गया प्रतिस्पर्धा आयोग जो पहले एम कमीशन था उसकी जगह पे एक नया आयोग प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना ये जो है जांच करेगा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा स्वतंत्र है किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अधीन नहीं है इनका अपना इन्वेस्टिगेशन का सेटअप होगा इनके पास एक डायरेक्टर जनरल होंगे महानिदेशक और सी सी आई की स्थापना की सिफारिश की जो सी सी आई बन गया इसके राघवन समिति के रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते यानी कि एंटी कॉम्पिटिटिव एंटी कॉम्पिटिटिव जो अग्रीमेंट्स हैं वो ना हो और जो प्रमुख स्थिति है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन डोमिनेंस बुरा नहीं है एम के जमाने में डोमिनंस ही बुरा था यहाँ पे अब्यूज ऑफ डोमिनेंस और इस तरह की जो चीजें हैं जो कार्टेल हैं जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन है इन प्रावधानों को जो 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 जो, जो प्रतिस्पर्धा को विकृत करती हैं डिस्टॉर्ट करती हैं उपभोक्ताओं का नुकसान करती हैं हम सब उपभोक्ता हैं कंज्यूमर हैं जो नुकसान करती हैं इस इसपे उन्होंने रिकमेंडेशन दी आ, मित्रों इनकी रिकमेंडेशन्स में आगे हम बात करें तो ग्राहक का जो संरक्षण होना चाहिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग नहीं होनी चाहिए मैं आपको कहूँ कि मैं चांद पे आपको कॉलोनी बना के दूंगा ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है मैं डिसेप्टिव भ्रामक आचरण करता हूँ या भ्रामक विज्ञापन करता हूँ या गलत तरह से व्यवहार करता हूँ मार्केट में दूसरे के प्रोडक्ट को बुरा दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं कहता हूँ ये वाले नूडल्स मत खाइए इसमें ये बीमारी हो जाएगी ये गलत है मैं भ्रामक तरीके से बिहेव करता हूँ मैं ये बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है पार्कर कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छी पेन की कंपनी है जबकि नहीं हो तो ये भ्रामक है इस, इस तरह की चीजें मार्केट में नहीं होनी चाहिए आ, मैं नियंत्रण यानी कि मर्जर कंट्रोल मर्जर हो जाता है मान लीजिए कोका कोला इंडिया जाके मर्ज कर जाती है पेप्सी इंडिया के साथ या डेकन एयरलाइंस मर्ज कर जाती है किंगफिशर एयरलाइंस के साथ ये एक वर्जर मर्जर या विलय है विलय को कंट्रोल करने की आवश्यकता है क्योंकि विलय हर विलय बुरा नहीं है पर कभी कभी विलय होने से मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं कॉम्पिटिटर्स हैं वो कम हो जाते हैं तो मर्जर्स पे निगाह रखने की आवश्यकता है कब मर्जर जो है बुरा बन रहा है जो 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 संयोजन है जो कॉम्बिनेशन बन जाती है मान लीजिए मर्जर नहीं हुआ तो तीन तरह की चीजें होती है मित्रों मर्जर एक्विजिशन या कॉम्बिनेशन तो मर्जर को हम विलय कहते हैं अधिग्रहण को हम एक्विजिशन कहते हैं और कॉम्बिनेशन को हम संयोजन कहते हैं तो ये जो चीजें हैं विलय अधिग्रहण और संयोजन इनको हमें निगाह रखने की जरूरत है रेगुलेट करने की विनियमित करने की आवश्यकता है ताकि प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव ना डाल सके ये ये इन्होंने में डाला और ये सभी चीजें आप देखेंगे जो जो एक्ट है प्रतिस्पर्धा अधिनियम है उसमें ये चीजें आई हैं मित्रों इनका प्रभाव क्या है अभी हमने देखा कि इनकी रेकमेंडेशन क्या थी सिफारिशें अब हम देख रहे हैं कि इनका प्रभाव यानी कि इनका इंपैक्ट क्या था राघवन समिति का तो एक मसौदा तैयार हो गया आधार तैयार हो गया एमआर टीपी एक्ट रिप्लेस होने को रेडी है और एक नया एक कॉम्पिटिशन एक्ट बन गया एक आधुनिक व्यापक प्रतिस्पर्धा नियंत्रण ढांचा तैयार हो गया प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सी सी आई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दें प्रतिस्पर्धा विरोधी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ना हो ग्राहक के हितों की रक्षा हो प्रतिस्पर्धा कानून लागू हो प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार की जाँच हो और उल्लंघन करने वालों पर दंड उल्लंघन करने देखिए एम में जैसा कि मैंने पहले व्याख्यान में बोला एम कानून में कोई दंड का प्रोविजन नहीं था बट यहाँ पे दंड का आर्थिक रूप से दंड का प्रावधान है जो कि दस प्रतिशत जो आपका टर्नओवर है उस पर आधारित होता है उस तक जा सकता है मित्रों इसकी रिपोर्ट और सिफारिशों के फलस्वरूप हमने देखा कि आज भी जो कानूनी परिदृश्य है जो लीगल इन्वायरमेंट है वो शेप हो रहा है कंपटीशन को लेके। सीसीआई द्वारा जारी निर्देश नियम दिशा निर्देश ये ऐतिहासिक हैं और निष्पक्ष बिजनेस इन्वायरमेंट कारोबारी माहौल को स्थापित किया है बढ़ावा मिला मित्रों अगर तो कंपटीशन है तो वो मार्केट में अच्छी चीज़ है आ, आज और आज से पचास साल पहले महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है महंगाई के बारे में कहते हैं कि हर 20 वर्षों में 10 गुना हो जाएगी और हर 10 वर्षों में तीन दशमलव तीन तीन गुना हो जाएगी उदाहरण के तौर पे अगर 10 साल पहले कोई वस्तु सौ रुपये की मिलती है तो आज तीन सौ तैंतीस रुपये की मिलेगी और अगर 20 साल पहले सौ रुपये की मिलती थी तो आज हज़ार रुपये की मिलेगी अब इस हिसाब से देखें तो आज से पचास साल पहले भी दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज का किराया पाँच हज़ार था और आज भी पाँच हज़ार और महंगाई की दर कहाँ से कहाँ पहुँच गई पचास सालों में अगर हर बीस साल में आपकी जो है दस गुना होती है तो मतलब चालीस गुना चालीस सालों में सौ गुना हो गई और फिर उसके बाद तीन सौ थ्री पॉइंट थ्री थ्री गुना और हो गई so, सो तीन सौ गुना अगर आपकी महंगाई की दर हो गई है तो पाँच हजार रुपये का टिकट कितने का होना चाहिए था आप देख लीजिए जबकि वो मिल कितने का रहा है उतने का ही मिल रहा है तो तीन गुना जो है गुना परसेंटेज नहीं कह रहा हूँ गुना मतलब तीन टाइम्स ग्राहक का फायदा हुआ है तो कंपटीशन मार्केट में अच्छी चीज है तो कंपटीशन की वजह से जो है और इसकी वजह से और अधिक लोग उड़ान भर रहे हैं तो कंपनियों का भी मुनाफा हो रहा है क्योंकि पाँच हजार रुपये पचास साल पहले कितने लोग अफोर्ड कर सकते थे और पाँच हजार रुपये आज कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं मित्रो राघवन समिति की जो सिफारिशों के फलस्वरूप रिपोर्ट के फलस्वरूप जो भी ग्राहक हितों की सुरक्षा कानूनी ढांचा प्रतिस्पर्धा विरोधी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं और वो आज भी आज भी जितना भी इन्फोर्समेंट वर्क है रेगुलेटरी मेजर्स हैं और जुरुस है उसमें देखा जा सकता है राघवन कमेटी का इम्पैक्ट मित्रों अगर हम एम आर टी पी से लेकर आज तक की बात करें संक्षिप्त रूप में केवल तीन uh, मैंने बिंदु रखे हैं uh, अर्थव्यवस्था के विकास के साथ एल पी जी के बाद के युग में एकाधिकार को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं थी बल्कि प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों को uh, रोकने की आवश्यकता थी अगर कोई व्यक्ति साइज़ में बड़ा है तो वो अच्छी चीज़ है आपके लिए देश के लिए क्योंकि अगर बिजनेस बढ़ेगा तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा आपके यहाँ खुशहाली आएगी नए पॉलिसी इन्वायरमेंट में नीतिगत माहौल में व्यवसाय का साइज़ अकेला अगर बड़ा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आकार अगर बड़ा है आकार मतलब साइज तो वो कोई एक प्रॉब्लम नहीं है केवल आकार के आधार पर रेगुलेशन अब ठीक नहीं है विनियमन तीन आधार पर होना चाहिए एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस आप अगर कर रहे हैं प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग अगर आप कर रहे हैं और अगर वो एक्विजिशंस और अमेल्गमेशन से संबंधित है तो उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता हो सकती है मित्रों तो मित्रों अब ये दोनों में देखिए क्या उद्देश्यों में अंतर है एम जो है एकाधिकार उसका नाम ही है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलीज इनको आद, आ, इनको अपने आ, एम्बिट में लेता है इनके लिए संबंधित मुद्दों को देखता है ये जो कानून बनाया है प्रतिस्पर्धा का कानून ये ज़्यादा व्यापक है ये जो है प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग विलय अधिग्रहण विनियमन प्रतिस्पर्धा विरोधी इस सभी चीज़ों को अपने आकार में ले लेता है एम्बिट में ले लेता है एमआरटीपी uh, के दायरे में कृषि उद्योग व्यापार जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्र आते थे बल्कि यहां पे केवल आर्थिक क्षेत्र पर ही ध्यान केंद्रित है कंपटीशन एक्ट में एमआरटीपी पी जो है एमआरटीपी कमीशन लागू करता था यहां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करता है एमआरटीपी में वस्तुओं की कीमत प्राइस प्रोडक्शन यानी उत्पादन के विनियमन यानी कि रेगुलेशन के लिए प्रावधान थे जबकि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्राइस को हम रेगुलेट करेंगे या प्रोडक्शन को हम रेगुलेट करेंगे वो केवल मार्केट में कंपटीशन को रेगुलेट करना चाहता है एमआरटीपी में विलय और अधिग्रहण और जो आपके समायोजन अमेल्गमेशन के कोई प्रोविजन नहीं है जबकि यहाँ पे विस्तृत प्रावधान है एम आर टी पी में डोमिनेंस के लिए एक अलग सीमा थी यहाँ पे प्रतिस्पर्धा में जो 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 डोमिनेंस है यानी कि प्रभुत्व है इसको स्थापित करने के लिए एक अलग अधिक उद्देश्यपूर्ण पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तरीका है दंड का वहाँ प्रावधान नहीं था जबकि यहाँ पे दंड और जुर्माने का प्रावधान है एम कानून 2002 में निरस्त कर दिया गया कंपटीशन एक्ट आने के बाद और प्रतिस्पर्धा को विनियमित करने के लिए अब जो हमारा कानून है अ, रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन को वो अब हमारा कंपटीशन एक्ट ये काम कर रहा है मित्रों अब ये जो इसकी प्रमुख विशेषताएं जो मेन फीचर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों की बात करेंगे कोई भी व्यक्ति कोई भी उद्यम यानी कोई भी पर्सन या कोई भी एंटरप्राइज अगर उत्पादन आपूर्ति या वितरण कर रहा है यानी कि प्रोडक्शन कर रहा है सप्लाई कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसे जो है ऐसे एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स लेने से रोका जा सकता है अगर वो भारत में होने वाले कंपटीशन पे नेगेटिव इफेक्ट नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है इस तरह के समझौतों को ये कानून अवैध डिक्लेयर करता है नहीं मानता है मित्रों फिर दूसरा है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन यानी कि प्रभुत्व प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग इसको हम प्रभुत्व कहते हैं प्रमुख स्थिति कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी व्यक्ति अनुचित तरीके से भेदभाव तरीके से अगर वो प्रभुत्व का दुरुपयोग करता है तो ये इसके अधीन आता है संयोजनों के विनियमन रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस यदि संयोजन जो है वो मान लीजिए एक 600 करोड़ की एंटरप्राइज है वो एक 1200 करोड़ की एंटरप्राइज के साथ समायोजित हो जाती है या 1200 करोड़ की एंटरप्राइज 900 करोड़ की एंटरप्राइज के साथ समायोजित हो जाती है तो जो भी निर्दिष्ट सीमाएं हैं लिमिट्स हैं तो उससे अधिक हैं तो शामिल जो भी पार्टीज हैं उनके जो समायोजन है या मर्जर है या एक्विजिशन है उसकी जाँच कंपटीशन कमीशन द्वारा की जाएगी ये देखिए कितनी बड़ी बात है जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है अनुबंध है अनुबंध के अंदर भी प्रवेश करने की शक्ति दे दी आ, आ, कम से कम छः सदस्य इसमें हो सकते हैं कंपटीशन कमीशन में इसमें अधिकतम जो है मैक्सिमम जो है आ, सिक्स मेंबर्स का प्रावधान है और इनका काम ग्राहकों के हितों को उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करना भी है और ग्राहक के हितों को बढ़ावा देना भी है प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है कार्य व्यवस्था में और अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है जागरूकता पैदा करना है इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन एडवोकेसी कॉम्पिटिशन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लाना ये भी इनका एक काम है तो ये भिन्न भिन्न तरीके के काम कंपटीशन कमीशन करता है जागरूकता पैदा करता है एडवोकेसी करता है ये जो 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 एक दूसरे के साथ उचित रूप से प्रतिस्पर्धा हो प्रतिस्पर्धा अगर मार्केट में है तो सभी का फायदा है गवर्नमेंट का फायदा है उद्योग का फायदा है कंज्यूमर का फायदा है उपभोक्ताओं के लिए नए नए प्रोडक्ट्स नए नए नवाचार नए नए सेवाएं में वृद्धि होगी और ये जो एक्सक्लूसिव डीलिंग है ये जो प्राइस फिक्सिंग है मूल्य निर्धारण ये सब चीज़ें आ, नहीं हो सकती उपभोक्ताओं की रक्षा होगी दक्षता बढ़ाता है इनोवेशंस को इंकरेज करता है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी बिजनेस को प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है देश को जो है टैक्स रेवेन्यू बेहतर मिलेगा उपभोक्ताओं हितों की रक्षा होगी बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस फ्रेंडली होगा तो ये सभी चीज़ें जो है कुछ इसके फ़ायदे मैंने आपको यहाँ गिनाए हैं मित्रों कुछ और अगर हम फ़ायदा करें तो आ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड को सुगम बना दिया आसान बना दिया और आर्थिक विकास दर में वृद्धि हो सकती है उद्यमिता यानी कि बिज़नेस एंटरप्राइज को छोटे व्यवसायी को छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज अगर मिलेंगी जितनी बड़े उद्योगों को मिल रही है तो वो भी उद्यमिता कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं वो भी अपना इनोवेशंस करके नवाचार करके इनोवेशन्स करके अपना जो है मार्केट में प्रोडक्ट ला सकते हैं मित्रों उपभोक्ता कल्याण कंज्यूमर वेलफेयर को बढ़ावा मिलता है क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाएं हैं उन पे तो आपने रोक लगा दी और सबसे बड़ी बात जो ट्रांसपेरेंसी है जो आ, जस्टिस है, best, uh, ब्रांडेस कहते हैं सनलाइट इज द बेस्ट पुलिसमैन एंड इलेक्ट्रिक लाइट इज द बेस्ट डिस तो उसमें भी देखिए आप कितनी अच्छी बात है कि प्रतिस्पर्धा से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है अपने संचालन और अपनी गतिविधियों के बारे में बिजनेस खुद बताता है पारदर्शी तरीके से काम करता है तो इसमें जो है हम प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण को रोकने में अपने आप ही सक्षम हो जाते हैं अपने आप ही हम जो है जो 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 इंडस्ट्री को क्लाइंट फ्रेंडली बनाते हैं मित्रों कुछ कोई भी चीज़ अगर फायदेमंद है इतने सारे मैंने आपको तीन स्लाइड भर के अगर फायदे बताएं तो शायद उससे कुछ छोटे मोटे नुकसान भी हो आ, कुछ लोगों का तर्क है मानना है इसमें कितना दम है मुझे नहीं पता बट क्योंकि मैंने कहीं अध्ययन किया तो कहा कि साहब ये जो है जो बड़ी कंपनियां हैं उनको कुछ प्रकार के आचरण Uh, करने की क्षमता पे आपने अंकुश लगा दिया तो शायद नवाचार को कभी कभी आप रोक रहे हैं और कभी कभी जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूसिव डीलिंग से ग्राहक का फायदा भी हो सकता है मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको बताता हूं क्या होता है ये पेन है आपकी पैसे देने की क्षमता है तो मैं आपको सौ रुपए का बेचता हूं और कोई व्यक्ति है जो जिसको आवश्यकता है इस पेन की वो खरीदना चाहता है इसको बट उसकी क्षमता पच्चीस रुपये देने की है तो मैं उससे पच्चीस रुपये लूँगा तो या फिर मैं उस पच्चीस रुपये उस, उसके लिए पच्चीस रुपये का पेन ला रहा हूँ उसका थोड़ा सा मैंने क्वालिटी को कम कर दिया तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कंपनी अब ये कंपटीशन एक्ट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है सबसे उतने ही पैसे लेने तो कंपनियां कहती हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का हम जो क्या करते हैं जो गरीब लोग हैं उनसे कम पैसे ले लेते ले हैं ले जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उनसे ज्यादा पैसे ले, ले लेते हैं इसमें क्या गलत है अच्छा वैसे ही जो अनन्य व्यवहार है जो एक्सक्लूसिव डीलिंग है कभी कभी एक्सक्लूसिव डीलिंग से भी ग्राहक का फायदा हो जाता है कि भाई मैं तो केवल जो है सोनी का ही फोन बेचता हूं मैं और कुछ नहीं बेचूंगा तो ऐसी चीजों पर भी अंकुश लगा दिया कि अगर अनलेस आपका कंपनी शोरूम है आप केवल सोनी का फोन नहीं बेचेंगे आप चार फोन और रखेंगे आँ... ऐसा भी हो सकता है कि साबित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि कंपनी जो है इस तरह के आचरण में संलग्न है संलिप्त है ये जो कभी कभी इसको लागू करना इस कानून को मुश्किल पैदा हो जाती है अनिश्चितता पैदा कर सकता है व्यवसाय के लिए ये कानून अनिश्चितता पैदा कर सकता है क्योंकि बिजनेसमैन को इतनी जानकारी मित्रों नहीं होती है कंपनियों के लिए पहले से जानना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा आचरण कल को प्रतिस्पर्धा विरोधी माना जाएगा कौन सा आचरण है जिसको कल को प्रतिस्पर्धा विरोधी मान लिया जाएगा तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट में जो जो फ्लक्स होता है वो अच्छा नहीं व्यवसायों के लिए शायद महंगा भी हो सकता है क्योंकि लागत बढ़ जाती है क्योंकि कानूनी शुल्क और ये जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं इनको संशोधित करना पड़ेगा तो ये लागत क्या स्मॉल बिजनेसिस अफोर्ड कर सकते हैं ये भी एक प्रश्न है ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ये प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण को साबित करना लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है जो व्यवसाय के लिए कोई भी चीज़ जो जिसका रिजल्ट बहुत लंबे समय बाद आएगा ये व्यवसाय के लिए हानिकारक है क्योंकि ये विवाद लंबे समय तक चला आपका अगर किसी मित्र के साथ या किसी पड़ोसी के साथ कोई विवाद है कई दिन तक चला तो आपका नुकसान तो होगा ना आप अगर उससे बातचीत बंद हो गई है तो आप पूरे समय उसके बारे में सोचेंगे ना आपका कोई केस अगर अदालत में लंबित है तो आप लॉयर को फीस दे रहे हैं अपना आपको अनसर्टेटी रहती है तो बिजनेस के लिए ये सभी चीजें और ज्यादा हानिकारक हो जाती हैं कीमत में वृद्धि हो सकती है क्योंकि जो मूल्य निर्धारण रणनीति है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है डिफरेंशियल प्राइसिंग कर नहीं सकते तो कीमत शायद बढ़ भी सकती है कभी कभी जो इनकसिस्टेंट इन्फोर्समेंट हो सकता है जो कि असंगत प्रवर्तन है उपभोक्ताओं के लिए इससे भ्रम की स्थिति अनिश्चितता की स्थिति पॉलिसी अनसर्टिनटी हो सकती है Uh, कभी कभी अति विनियमन यानी ओवर रेगुलेशन भी हो सकता है uh, कुछ लोग कहते हैं कि ये कानून अति विनियमित uh, इंडिया में इतने विनियमन की शायद uh, आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर अति विनियमन होगा तो आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नवाचार यानी इनोवेशन दोनों ही सफर करेंगे मित्रों तो ये कुछ इसके नुकसान पोटेंशियल या एक्चुअल नुकसान हो सकते हैं संभावित या असल मित्रों अब एक नया बिल्कुल नया कानून आया है आया इसका मसौदा आया है मैं अपने आप को स्पष्ट कर दूं Corporate मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 6 फरवरी 2023 में ऑनलाइन मार्केट प्लेस खासतौर पर मार्केट प्लेस है देखिए कोई छोटा सा बिजनेसमैन है ऑनलाइन डिजिटल फेयर में उसकी यहाँ बात नहीं हो रही जो बड़े बिजनेसमैन है उनकी बात हो रही है उनके लिए एक्स एंटी विनियमिक तंत्र की आवश्यकता को जांच करने के लिए इन्होंने एक समिति बिठाई इस समिति की रिपोर्ट आई जैसे राघवन कमेटी की रिपोर्ट आई कंपटीशन एक्ट में संशोधन भी हुए हैं राघवन कमेटी की रिपोर्ट के बाद कंपटीशन एक्ट 2002 आया उसके बाद इसमें 10 में विनियमन हुए, चेंजेस हुए काफी सारी चीजें आई तो इन्होंने एक ड्राफ्ट बिल यानी कि मसौदा कानून बनाया और इन्होंने कहा एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून के गठन की आवश्यकता है इसको भी इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सी को ही दे दीजिए कुछ अनैतिक प्रथाएं हो रही हैं डिजिटल स्पेस में जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी सेल होती हैं दिवाली पे क्रिसमस पे आ, उसमें माल जो है कीमत से कम पे बेचा जाता है मान लीजिए दो सौ का का है तो एक सौ की इसकी लागत ही दो सौ बनने में ही दो सौ लगे हैं एक सौ पे बेच रही हैं कंपनियां तो आ, इसके लिए एक्स एंटी ढांचे की शायद आवश्यकता है और ये ये जो डिजिटल स्पेस के प्रमुख उद्योग यानी कि फ्लिपकार्ट एमेजॉन उदाहरण के लिए लिए मैंने इनके द्वारा किए गए संभावित कदाचार की निगरानी का अधिकार देता है ये मसौदा कानून ये छोटी इंटरनेट कंपनियों के लिए नहीं है ये जो है समिति ने प्रस्ताव किया है कि जिन उद्यमों का कुछ कोर डिजिटल सेवाओं में महत्वपूर्ण उपस्थिति है आ, उन्हें सी द्वारा भारतीय कारोबार वैश्विक कारोबार ये कुछ कैटेगरीज हैं क्राइटीरिया है ये क्राइटीरिया है ये जिनके आधार पर तो क्या है क्राइटेरिया भारतीय वैश्विक कारोबार मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाज़ार में कितनी पूंजी है आपकी आपके कितने बिजनेस कस, कस्टमर्स हैं उपयोगिता उपयोगकर्ता का आधार आपकी जो सकल व्यापारिक मूल्य है वो इस तरह के कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं उसके आधार पर इन्होंने कहा कि इनको हम नाम देंगे सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज़, एस एस सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज़, इसके बेसिस पे कैटेगराइज़ करेंगे। फिर वो कहते हैं कि उद्देश्य केवल बड़े जो उद्यम है उन्हीं का रेगुलेशन करना है छोटे उद्यमों को रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं उसके लिए प्रेजेंट कानून इनफ है तो उन्होंने दो परिदृश्य दो सिनारियों की कल्पना की इमेजिनेशन किया पहले में जो जो एस एस डी है उसके ग्रुप में मान लीजिए कोलगेट इंडिया एस एस डी ई है तो कोलगेट इंडिया के तत्वावधान में जितनी भी और कंपनियां आती हैं उनको एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइज माना जाएगा और दूसरा तरीका है सेवाओं को प्रदान करने में शामिल जो ग्रुप है जो समूह है यानी कि कोलगेट ग्रुप ऑफ कंपनीज उसमें एक अलग कंपनी मान लीजिए कोलगेट इंडिया को एस एस के रूप में नामित किया गया जबकि होल्डिंग कंपनी और अन्य कंपनियों को ए के रूप में नामित किया जाएगा ये दो उन्होंने परिकल्पनाएं की हैं मित्रों फिर मित्रों जो अनुपालन जो इन्फोर्समेंट सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने कहा कि दंड की व्यवस्था वही होनी चाहिए जो आज के कंपटीशन एक्ट में है यानी कि जो वैश्विक काराबार है वैश्विक यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल ग्लोबल टर्नओवर यानी कि भारत में टर्नओवर ग्लोबल टर्नओवर का 10 परसेंट तक आपको दंड किया जा सकता है जो कंपटीशन एक्ट में है मित्रों तो इस विधेयक जो मौजूदा बनाया गया है मसौदा उसमें सी सी के पास निर्धारित जुर्माने की राशि गलत रिपोर्टिंग के अतिरिक्त और भी अधिकार होंगे जैसे वाइकेरियस लाइबिलिटी का अधिकार होगा मान लीजिए किसी कंपनी के कर्मचारी ने कुछ गड़बड़ की उसकी वजह से नुकसान हुआ तो उसके लिए कंपनी की देनदारी बढ़ जाएगी कंपनी का जो अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है कंपनी का मान लीजिए सीई है या सी है मुख्य वित्त अधिकारी या मुख्य कार्यपालक का अधिकारी तो उसने अगर कुछ गलत किया है उसके गलत आचरण की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो मौजूदा जो मसौदा विधेयक है उसमें ये भी भी प्रावधान है है कि CCI ऐसे केसेस में भी जो है दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है मित्रों मित्रों अब हमने ये बात की क्योंकि एक्स एंटी फ्रेमवर्क की हमने चर्चा कर ली तो एक्स एंटी फ्रेमवर्क ये जो समिति है जिसने ये मसौदा तैयार किया है उन्होंने जो है जो हमारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम है उसकी अच्छे से समीक्षा की आकलन लगाया कि क्या वो डिजिटल अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है और उत्तर पाया कि नहीं अपर्याप्त है पर्याप्त है यह देखने के लिए कहा और कहा कि नहीं आ, हमें एक अलग कानून की आवश्यकता है क्योंकि यह पुराना कानून अब अपर्याप्त हो गया है डिजिटल बाकी चीज़ों के लिए अच्छा कानून है बट डिजिटल इन्वायरमेंट के लिए अपर्याप्त हो चला है आ, इस समिति ने एक नए डिजिटल कानून प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में इसका प्रस्ताव किया है और प्रभुत्व के संभावित दुरुपयोग देखिए अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन जो है वो केवल ऑनलाइन मार्केट प्लेस में होगी ऐसा भी पॉसिबल है uh, वो केवल फिजिकल मार्केट प्लेस में होगी मित्रों ऐसा भी पॉसिबल है दोनों में भी हो सकती है ऐसा भी पॉसिबल है सो ऑनलाइन क्षेत्र में ऑनलाइन या डिजिटल अब्यूज ऑफ मार्केट पोजिशन है उसको ध्यान में रखने के लिए बड़ी डिजिटल कंपनियों से जुड़े अन्य जो इश्यूज़ हैं अविश्वास के इश्यूज़ हैं उनको एक्स एंटी रूप से रेगुलेट करने के लिए उन्होंने कहा निर्देश होने चाहिए नियम होने चाहिए तो एक प्री प्लैंड ढांचा बनाइए बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा एंटी कॉम्पिटिटिव डिजिटल बिहेवियर को रोकने के लिए और एक प्रतिबंधों का एक सेट जारी करिए आ, फिर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष प्र, प्र, ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आ, जो भी उल्लंघन है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए अध्ययन बाद में होगा उसको अभी रोक देंगे तो बाद में जुर्माना लगाया जाएगा इसीलिए उसको एक्स एंटी कहते हैं मतलब जो कार्रवाई है वो पूर्व जो जो गलत काम है वो आज हो गया कार्रवाई बाद में होगी पर कार्रवाई को विगत डेट से लागू किया जाएगा इसलिए एक्स एंटी जैसे आप कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो वो वाली बात है एक्स एंड टी तो रूप से अपना काम किया जाएगा इसलिए इसको एक्स एंटी टी फ्रेमवर्क कहते हैं मित्रों भारतीय है, फर्मों पे इसका क्या फर्क पड़ेगा और क्या है जो विदेशी कंपनियों है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है देखिए गूगल एप्पल जो आपका बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं उसको उनको जो है आरोप लगते रहे हैं कि वो भारतवर्ष में गलत व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़े हैं अभी आप देखिए थोड़े दिन में गूगल और भारत मैट्रीमोनी शादी डॉट कॉम नौकरी डॉट कॉम निन्यानवे एकड़ जो कि एक रियल एस्टेट की साइट है इन पे सब में कम से कम दस बारह ऐसी भारतीय वेबसाइट्स हैं दस बारह ऐसे भारतीय ऐप्स हैं जो 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 जो, जो गूगल ने अपने प्ले स्टोर से ही हटा दिए क्योंकि गूगल का और इनका विवाद चल रहा था और बाद में फिर उनकी बहाली जरूर हुई तो आ, बट वो कुछ डिस्कशंस के बाद तो ये जो रिपोर्ट आई है मित्रों आज हम बात कर रहे हैं पंद्रह मार्च है और ये रिपोर्ट मित्रों बारह मार्च की है सो बारह मार्च को जो ये रिपोर्ट आई है मसौदा कानून आया है उसमें जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक महीने का समय दिया है यदि आप लोगों के कुछ सुझाव हों या किसी भी आम जनता के कुछ सुझाव हों एक महीने का समय पंद्रह अप्रैल दो हजार चौबीस तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी हितधारक हैं उनको अपनी जो भी कमेंट्स हैं जो भी सुझाव हैं उनको देने के लिए आमंत्रण दिया गया है भारत सरकार द्वारा मित्रों अगर हम थोड़ा सा डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून को लेकर चर्चा करेंगे कि वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा है तो देखिए डिजिटल बाजार एक बहुत बड़ा बाजार है सभी के लिए जो सबसे निकटतम उदाहरण मेरी समझ में है वो आप देख सकते हैं ईयू से, यानी कि यूरोपियन यूनियन से EU ने क्या किया है यूरोपीय संघ ने ये आ, जो, मेरे ख्याल में जो जो मेन जोरिस्टिक्शन है उसमें से शायद पहला है जो विशिष्ट सेवाओं की पेशकश करने वाले बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको गेट कीपर के रूप में नामित करता है और ये जो गेटकीपर इन इनपे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ प्रतिबंधों का अपने आप ही पालन करेंगे यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी एक्स एंटी जो हम बनाने के प्रयास कर रहे हैं एक्स एंटी नियमों का अध्ययन किया है आ, ये एक्स पोस्ट नियमों के विपरीत है और यूरोपीय संघ के कुछ सुपरनेशनल यूनियन के कानून से थोड़ा अलग दृष्टिकोण ले रहे हैं बट ये इवॉल्व हो रहे हैं ये अभी बने नहीं है अब ये सुपर नेशनल आप बोलेंगे क्या है सर तो सुपर नेशनल मतलब वो यू को तो देश तो मानते नहीं है यू को पूरे को एक देश मानते हैं तो वो अपने देश की जो पॉलिटिकल सीमा है उससे बाहर भी उसका ऑपरेशन है इसलिए सुपर नेशनल कहा गया है मित्रों जर्मनी हॉलैंड यानी कि नेदरलैंड्स फ्रांस ये काफी बड़ी इकोनॉमीज हैं जनसंख्या में इतनी बड़ी नहीं है बट इकोनॉमीज बड़ी हैं इनका अध्ययन किया गया है इन्होंने अपने देशों की जरूरत के हिसाब से बेहतरीन तरीके से एंटी ट्रस्ट लॉ के भीतर जो डिजिटल कंपनियां हैं उनको लागू करने का काम किया है उसमें विचार कर रही हैं काफी इसमें आ आ, आगे आने वाले दिनों में होगा तो ईयू का उदाहरण लेके हम चल सकते हैं चाहे तो पर ईयू से अलग भी हम थोड़ा चल सकते हैं और बाकी और इसमें हम जो है विश्व में काफी आगे हैं इस मामले में बिकॉज बाकी देशों ने अभी डिजिटल कंपटीशन के एरिया में कदम नहीं रखा है मित्रों उसको रेगुलेट करने के एरिया में मित्रों अगर हम आपसे थोड़ी सी बात करें कि कंपटीशन की किसी भी इकोनमी में क्या आवश्यकता है तो अभी हमने देखा कि जो 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 तीन प्रमुख चीज़ें हैं अब यूज ऑफ डोमिनेट पोजिशन देखिए एम आर टी पी कहता है कि आपकी जो 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 अगर आप साइज में बड़े हैं तो आपको रेगुलेट करने की आवश्यकता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको डोमिनेंट पोजिशन को रेगुलेट करना है आपको साइज को रेगुलेट नहीं करना है मित्रों तो मान लीजिए कि कोई अगर बिजनेस बहुत बड़ा है या कोई आदमी बहुत हाइट में ज्यादा है या कोई कुत्ता बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि आपको उस आदमी से या कुत्ते से डरने की आवश्यकता आपको ये देखना है कि अगर छोटा सा भी कुत्ता हो क्या वो काटता है ये देखने की आवश्यकता है आदमी चाहे हाइट में कम हो कहीं ऐसा तो नहीं वो मार देता है वो देखने की आवश्यकता है तो वैसे ही उसी तरह मित्रों जो 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 एम्फोसिस है वो अब्यूज और डोमिनेंस को रोकने पर है एक दूसरा जो विलय होते हैं जो अधिग्रहण होते हैं जो कॉम्बिनेशंस बनती हैं वो जो है अपने आप में बुरी नहीं है उनको आपको स्टडी करने की जरूरत है अगर वो एक सर्टन लिमिट से थ्रेश से ज़्यादा हैं ऐसा होने से ऐसी कॉम्बिनेशन होने से क्या व्यापार में जितने बिजनेस हैं क्या उन पे असर पड़ रहा है क्या बाजार में कंपटीशन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और तीसरा मित्रों आपको ये देखना है कि कोई कार्टल या कोई बिड रेगिंग या कोई आ, एंटी कॉम्पिटिटिव जो 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 प्रतिस्पर्धा के आ, आ, प्रतिकूल कोई आचरण तो नहीं कर रहा है ये तीन चीजों पे देखना है यही इसका इस कानून का जोर है यही इस कानून का मूलभूत आधार है यही इस कानून का मानना है जिसका जिस, का, जिस कारण से ये कानून आया आप देखेंगे कि यही चीजें हमने देखी राघवन समिति की रिकमेंडेशंस में इन इस कानून के भी प्रमुख विशेषताएं यही हैं और अगर हम देखें कि ये भिन्न कैसे है राघवन समिति से सॉरी जो एमआरटीपी का कानून का 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 था एकाधिकार का कानून का का था उससे कैसे किस तरह से भिन्न है तो वहां भी आप आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि मित्रों जैसा मैंने आपको वो उदाहरण देखते हुए बताया कि पांच हजार रुपए का हवाई जहाज का टिकट पचास साल पहले दिल्ली से बंबई और आज भी दिल्ली से मुंबई पांच हजार रुपए का ही टिकट है अगर आप एडवांस में बुक कर लेते हैं आ, किसी भी ट्रैवल वेबसाइट पर जाके देखिएगा इतने का ही मिल जाएगा आ, तो और और कीमतें कहाँ से कहाँ तक जा चुकी हैं सैलरी कहाँ से कहाँ तक जा चुकी हैं तो मित्रों जो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था एनी मॉडर्न इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है जीवन रक्त है कंपटीशन कंपटीशन के बिना बिजनेस की परिकल्पना करना मुश्किल हो जाता है कंपटीशन के बिना समाज या ग्राहक आ, के हितों का ध्यान रखना भी मुश्किल पड़ सकता है आ, जो राघवन समिति थी उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप जो 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 जो, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम अधिनियमित हुआ और सीसीआई जो है उसकी भी स्थापना हुई सीसीआई ने एमआरटीपी कमीशन को रिप्लेस किया आ, इस एक्ट के आने के पश्चात जो आपका पुराना वाला जो कानून था एमआरटीपी एक्ट वो समाप्त हुआ एम आर टी पी ने जो है तीस uh, वर्षों तक जो है भारतवर्ष में uh, जो है कार्य किया uh, वर्तमान युग में जो डिजिटल स्पेस है जो 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 डिजिटल बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वर्तमान युग में सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो जो डिजिटल इन्वायरमेंट है जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं जो उदाहरण के तौर पे पेटीएम को ले लीजिए गूगल को ले लीजिए एमेजोन को ले लीजिए फेसबुक को ले लीजिए व्हाट्सएप को ले लीजिए तो ये जो विलय हो गया गूगल सॉरी फेसबुक और व्हाट्सएप का जो विलय हो गया उससे मार्केट में क्या होने वाला है तो ये ये जो चीजें हैं डिजिटल वातावरण में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की एकदम तत्काल आवश्यकता है डिजिटल स्पेस अब इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कंपनीज का सारा बिजनेस अब वेबसाइट्स के माध्यम से होता जा रहा है आप जो है दिल्ली के आसपास कहीं भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक व्यक्ति के गोडाउन दिल्ली में तो क्योंकि महंगा है तो इसलिए दिल्ली में गोडाउन नहीं होते दिल्ली के बाहर किसी भी तरफ चले जाइए नोएडा की तरफ गुड़गांव की तरफ आप देखेंगे कि वहां पर बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं और ई कॉमर्स की साइट्स हैं गोदाम से माल जो है डायरेक्टली दिल्ली के हर कोने में या देश के हर कोने में सप्लाई कर लिया जाता है तो इस तरह का चीज है आज जब मैं लखनऊ से कानपुर आ रहा था तो मैंने देखा कि कानपुर के पास एक छोटी सी जगह है उन्नाव एक डिस्ट्रिक्ट है उन्नाव तो वहां पे जितने भी आपको बिजनेसेस दिखेंगे वो अपने वेबसाइट के माध्यम से उनकी फैक्ट्री वहां पे है जूतों के लिए रेड टेप की फैक्ट्री है पर वो जो है डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री से इंटरनेट के माध्यम से बेच रहे हैं तो उन्होंने काउंटर भी लगा रखा है बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि वो जो है जूतों का ऑर्डर तो ऑनलाइन लेते हैं पर कहते हैं कि आप अगर उन्नाव के रहने वाले हैं या कानपुर के या लखनऊ के रहने वाले हैं आप यहाँ से गुजरते हैं तो आप अपना ऑर्डर हाथ से भी लेके जा सकते हैं तो क्योंकि हाईवे पे स्थित है उनकी फैक्ट्री तो मुझे बड़ा अच्छा लगा मतलब ये ये जो इस तरह के जो न, नए नवाचार आ रहे हैं उसको जो है देखते हुए तो हमें थोड़ा सा इसमें जाने की आवश्यकता है डिजिटल वातावरण में जो निष्पक्षता हमें चाहिए उसके लिए हमें यहाँ पे नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है इसलिए ये जो मैंने डिजिटल मैंने देखिए आपको बिल्कुल टॉपिकल चीज़ बताई 12 मार्च को ये मसौदा तैयार हुआ और आज मैं आपसे पंद्रह मार्च को इसकी बात कर रहा हूँ मित्रों बाज़ार में प्रतिस्पर्धा उद्योगों उद्द, के लिए अच्छा है हमारे देश के लिए अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है हमारी सरकार के रेवेन्यूज़ के लिए अच्छा है हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और ग्राहकों के लिए अच्छा है बेहतर प्रोडक्ट मिलेंगे बेहतर इनोवेशन होगा बेहतर उत्पाद होंगे बेहतर सेवाएं मिलेंगी तो ये सभी चीज़ें अच्छी हैं अगर सभी कुछ बेहतर है तो प्रतिस्पर्धा को विनियमित करने वाला कानून जो होता है हर देश का अलग अलग होता है हर देश की थोड़ी सी समस्या अलग अलग होती है उनका आकार अलग अलग होता है मसलन जो विश्व का सबसे पुराना अगर हम कॉम्पटिशन एक्ट देखेंगे तो वो शर्मन एक्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लाया गया और उनका जो तरीका है डिजिटल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का डिजिटल बिज़नेसेस को विनियमित करने का वो उन्होंने बिना पृथक कानून बनाए ही कर लिया है आ, जब उनके यहाँ पे ये समस्या पैदा हुई थी फेसबुक और आ, ये व्हाट्सएप के मर्जर वाली तो उनको किस तरह से किया था अभी कुछ चर्चा चल रही है कि शायद ट्रू कॉलर का भी विलय होने वाला है आ, तो उसको किस तरह से गूगल और एल्फाबेट किस तरह से तो उन्होंने ये सभी चीज़ों को जो है आ, अपने शर्मन एक्ट के तत्वावधान ही सॉल्व कर लिया था मित्रों एक देश के भीतर भी कई बार हमें अलग-अलग चीज़ों को अलग अलग एक नियम कहीं ज़्यादा कठोर होता है कहीं नहीं उदाहरण के लिए शायद छोटे शहरों में दिपहिया वाहन टू व्हीलर्स पे हेलमेट को इतनी सख्ती से लागू नहीं किया जाता आ, पर दिल्ली शहर में तो बहुत सख्ती से लागू किया जाता है अगर आप कभी पा लिए गए बिना हेलमेट के तो आपका चालान तो सुनिश्चित है आ, चाहे वो आपको पुलिस अधिकारी मौके पे चालान करें चाहे आपको कैमरा पकड़ के चालान करें हर चप्पे चप्पे पे कैमरा आपके जो है आ, उस पर जरूर आएगा आपको मैसेज भी आएगा फोन पे और आपके अकाउंट पे भी आ जाएगा और जब आप अभी वो बाइक या स्कूटर बेचने जाएंगे तो वो सारे चालान की लिस्ट आ जाएगी मित्रों तो जो प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते हैं जो प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग है जो संयोजन का विनियमन है जो 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 विलय है जो अधिग्रहण है इनको नियमित करने वाले नियंत्रित करने वाले नियम जो है अलग अलग राज्यों में, में, में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं मसलन सीमेंट का एरिया दवाई के एरिया से बिल्कुल पृथक है टायर का एरिया फर्टिलाइजर के एरिया से बिल्कुल फर्क है तो क्या सियर टायर वाले केस में जो कंपटीशन कमीशन का निर्णय था क्या वही केस सॉरी अपोलो टायर्स का जो केस था उसमें जो कंपटीशन कमीशन का निर्णय था क्या वही केस वो आ, कि ये ये, ये, ये सीमेंट कंपनीज के केस के में लागू किया जा सकता है सीमेंट कार्टेल के केस में लागू किया जा सकता है क्या कोई टेलीविजन चैनल्स ने कार्टल बना लिया तो वही क्या दूर संचार के क्षेत्र में लागू किया जा सकता है दूसरे वाले का सवाब का का जवाब हाँ है पहले वाले का जवाब ना है क्योंकि उनके ये जो क्षेत्र हैं ये काफ़ी भिन्न है एक फर्टिलाइजर का केस हम आपसे अगले सेशन में तृतीय लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं तो क्या फर्टिलाइज़र का जो केस है क्या उसको हम बाकियों में बिल्डर के केस से सम्मिलित कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा दवाइयों के क्षेत्र की बात करें तो तो तो, तो ये जो चीज़ें हैं अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन ये जो तीन प्रमुख स्तंभ मैं कहूँगा आपके इस लॉ के रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस जिसमें अमेलगमेशन भी आ गया मर्जर भी आ गया और एक्विजिशन भी आ गया ये तीनों और अब्यूज और डोमिनेंट पोजिशन ये द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ एंटी कॉम्पिटिटिव समझौतों पर रोक ये जो तीन स्तंभ हैं मित्रों इनको क्या एक ही तरह से एक ही देश के अंदर लागू किया जा सकता है इसका आंसर है नहीं आ, मित्रों जो 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 भी आपकी जो आ, जो 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 प्रतिस्पर्धा अधिनियम जिस तरह से कंपनियों को संचालित करता है जो अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए आ, प्रेरित करता है उत्प्रेरित करता है पारदर्शिता को निष्पक्ष बिजनेस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है प्रोत्साहित करता है प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण को रोकने में साबित होता है मददगार होता है इससे आपका बिजनेस इन्वायरमेंट बेहतर होता है मित्रों हमने अभी थोड़ी सी बात की कि प्राइस डिफरेंशियल ये किसका उदाहरण देना चाह रहा हूं so, ये जो प्रतिस्पर्धा विरोधी काम अगर आप कर रहे हैं या आप जो है जो इस तरह की गतिविधियों में अगर आप संलिप्त हैं किसी तरह तो आप अपने आप उसको क्या डिस्क्लोज करेंगे देखिए तौर पे क्या आपने कभी तौर पे बोल रहा हूं क्या आप तौर पे बोलते हैं हाँ मुझसे गलती होगी क्या आप आमतौर पर बोलते हैं हाँ मैंने झूठ बोल दिया क्या आप आमतौर पर बोलते हैं कि हाँ ये मुझसे टूट गया मनुष्य ऐसा नहीं करते हाँ कई लोग जो है स्वेच्छा से अपनी गलती मान भी लेते हैं बता भी देते हैं मुझसे टूट गया बता भी देते हैं आज मैं पढ़ के नहीं आया हूँ इत्यादि इत्यादि बट आमतौर पर मानव जो है जहां तक हो सके अपनी चीज को छुपाने का प्रयास करते हैं प्रयासरत रहते हैं अम आम... ठीक उसी तरह आपको पता है कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हैं उसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग अब अलाउड नहीं है कॉम्पिटिशन लॉ के रेजीम में तो एक भारत की बहुत प्रतिष्ठित कंपनी थी मैं नाम नहीं लूंगा वो टायर बनाती थी चलिए नाम भी ले लेते हैं उन्होंने वो टायर बनाया करते थे स्कूटर और मोटरसाइकिल इन सब के लिए आज भी बनाते उन्होंने अपने आप ही ये डिस्क्लोजर कर दिया कि जो टायर हम बनाते हैं भारतीय मार्केट के लिए वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी का होता है मान लीजिए बी जो हम टायर बनाते हैं यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के लिए वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी का होता है सी और जो हम अफ्रीकी मार्केट के लिए बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी का होता है सी ये टायर सबसे उच्च क्वालिटी का होता है इसका रेट भी सबसे उच्च होता है ये थोड़ा सा उससे कम ये सबसे कम क्वालिटी का और सबसे कम रेट का होता तो उनके मानक अलग अलग हैं। तो उन्होंने अपने आप यह डेटा जो है पब्लिक डोमेन में वो ले आए तो क्या आप इसको अच्छा बोलेंगे या क्या आप इसको बुरा बोलेंगे वो खुद ही बता रहे हैं कि क्वालिटी में भी अंतर है और प्राइस में भी अंतर है क्योंकि कंपटीशन एक्ट कहता नहीं आप प्राइस डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते तो उन्होंने जब ये कहा तो कंपटीशन कमीशन कहता है ठीक है अगर आप ये कह रहे हैं क्वालिटी में फ़र्क है तो फिर प्राइस में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो so, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 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 मैं यहाँ पे आपके साथ अभी डिस्कस करना चाहता था एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कंसेप्चुअल लेवल पे मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता था जो अभी हम आपसे आज हमने जो 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 पढ़ा कि हमने जो जो सारा जो एम से लेके कंपटीशन तक का सफ़र जो कंपटीशन एक्ट क्यों आया इसका उद्देश्य एम से भिन्न कैसा था इसके क्या फ़ायदे थे राघवन समिति ने आ, के क्या, क्या फलस्वरूप क्या क्या चेंजेस आए क्या नया लॉ बना उस सब के बारे में परिचर्चा की कुछ आपको थोड़ा एग्जांपल्स दिए जो आपका अगला सेशन होने वाला है उसमें हम जो है जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशनस हैं जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो आप लोगों को सबको पता है किसी भी लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें क्या परिभाषाएँ है आती हैं उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे और दो इम्पॉर्टेंट केस लॉ दो इम्पॉर्टेंट वाद उसके बारे में भी सीखेंगे तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपसे जल्दी मिलेंगे इस कोर्स की इस श्रृंखला की तीसरे लेक्चर में तो तब तक के लिए देखते रहिए स्वयं प्रभा बहुत बहुत धन्यवाद